कल पेट्रोल बाहर निकलो, तुम अभी मान लो क्लास से बाहर निकलो, पेट्रोल हो जाए 2200 रुपए लीटर, वो भी अभी मोदी जी एनर्जी एग्रीमेंट करके पुतिन से आ रहे हैं। अब तो थोड़ा सा प्राइस कम होना चाहिए। किसी भी प्रीस्ट से की नजर से अगर रिलीजन को देखोगे तो रिलीजन बहुत टेक्निकल हो जाएगा, वो चाहे हिंदू प्रीस्ट हो, चाहे मुस्लिम प्रीस्ट हो, चाहे क्रिश्चियन प्रीस्ट हो। जब भी तुम रिलीजन को किसी प्रीस्ट की नजर से देखोगे तो रिलीजन बहुत टफ हो जाएगा। तो इबादत खाना में एक तरफ अबुल फजल के अब्बा बैठते थे, शेख मुबारक, एक तरफ ये साहब बैठते थे। शेख मुबारक ने कहा कि औरतों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, इन्होंने कहा नहीं, इस्लाम बिल्कुल खिलाफ है औरतों के एजुकेशन के। बहुत सिर्फ झगड़ा हो गया और माँ बहन की गाली हो शुरू हो गई। कश्मीर का मुसलमान देखो और तमिलनाडु का मुसलमान देखो, दोनों के ड्रेस में फर्क होगा, दोनों के फूड हैबिट में फर्क होगा। तुम आसाम का हिंदू देखो और गुजरात का हिंदू देखो, दोनों के फूड हैबिट और ड्रेस में फर्क होगा। रीजन ज्योग्राफी। जब जिंदगी फंसती है तो दो रास्ता है, या तो भाग जाओ और या लड़ो। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि लड़ेंगे और यहीं से यूरोप में एक बड़ी घटना शुरू हुई, रेनेसांस। कल पेट्रोल बाहर निकलो, तुम अभी मान लो क्लास से बाहर निकलो, पेट्रोल हो जाए 2200 रुपए लीटर, वो भी अभी मोदी जी एनर्जी एग्रीमेंट करके पुतिन से आ रहे हैं। अब तो थोड़ा सा प्राइस कम होना चाहिए। वॉलेंटरली इन्होंने प्राइस बढ़ा दी, 100 रुपए के ब्लैक पेपर 1000 रुपए केजी। यूरोपियंस ने कहा कि भैया हम नहीं दे पाएंगे भैया। अरे बोले नहीं दे पाओगे तो कोई बात नहीं, मर जाओ। तो यूरोपियंस ने कहा कि कोई रास्ता है? हाँ बोले एक रास्ता है। बोले क्या है? बोले इस्लाम, ये एक रास्ता है, तुम इस्लाम कबूल कर लो। यूरोपियंस ने कहा कर लेंगे साहब। इस्लाम इतना सिंपल रिलीजन, ये मौलानाओं की बात मत करो। जैसे पुरोहितों की, किसी भी प्रीस्ट से की नज़र से अगर रिलीजन को देखोगे तो रिलीजन बहुत टेक्निकल हो जाएगा, वो चाहे हिंदू प्रीस्ट हो, चाहे मुस्लिम प्रीस्ट हो, चाहे क्रिश्चियन प्रीस्ट हो। जब भी तुम रिलीजन को किसी प्रीस्ट की नज़र से देखोगे तो रिलीजन बहुत टफ हो जाएगा। अरे भगवान ऐसे थोड़ी मिल जाते हैं, मिले नहीं कबीर को, ऐसे ही मिले। संत रविदास को मिले नहीं, गुरु नानक देव जी को मिले नहीं, भगवान ऐसे ही मिलते हैं। लेकिन प्रीस्ट की नजर से रिलीजन को मत देखना। तो फिर प्रीस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीस्ट अगर नहीं होगा तो सोसाइटी, प्रीस्ट का भी अपना रोल है, पर प्रीस्ट डोमिनेंट नहीं होना चाहिए। प्रीस्ट होना चाहिए पर वो डोमिनेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो डोमिनेंट होगा तब दिक्कत पैदा कर देगा। अब्दुल नबी, अकबर के समय का चीफ सदर अब्दुल नबी, ये अब्दुल नबी अकबर के समय का चीफ इमाम था। अकबर आता था दरबार में, इसकी चप्पल वप्पल उठाता था। तब तो डेमोक्रेसी थी नहीं कि वोट के चक्कर में है। उसने इबादत खाना खोला था, तो इबादत खाना में एक तरफ अबुल फजल के अब्बा बैठते थे, शेख मुबारक, एक तरफ ये साहब बैठते थे। तो शेख मुबारक ने कहा कि औरतों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, इन्होंने कहा नहीं, इस्लाम बिल्कुल खिलाफ है औरतों के एजुकेशन के। और सिर्फ झगड़ा हो गया और माँ बहन की गाली हो शुरू हो गई। और इबादत खाना का जो कमरा था वो अकबर के सोने वाले कमरे के बगल में था। रात का 2 बज रहा था, आवाज़ आने, गाली गलौज। तो अकबर भागता हुआ आया इबादत खाना में, देखा ही पैजामा वजामा चढ़ा के गाली दे रहे थे। वो इनकी बड़ी इज्जत करता था। उसने कहा अरे इतनी इज्जत के बाद ये आलम, ऐसा। उसने डिसमिस कर दिया इनको तुरंत, ऑन द स्पॉट डिसमिस किया। जैसे उसने अकबर ने इनको डिसमिस किया, इन्होंने अकबर के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। अच्छा तुम मेरे खिलाफ फतवा जारी करोगे? तो इसने इनको बुलवाया यमुना में, इलाहाबाद में। ये थे, इनके साथ 35 मौलाना और थे। कहा बात करनी है बैठ के। फिर नाव में सब लोग बैठे, बीच नदी में पहुंचे, नाव ही पलटवा दी उसने। और सब चूड़ीदार पजामा पहने थे, तैर ही नहीं पा रहे थे। और अगर किसी ने कोशिश की तो उसके सिक्योरिटी गार्ड लगे थे कि बाहर नहीं निकलना चाहिए कोई, सब मारे गए। दूसरे दिन अखबार में खबर छपी कि नाव पलटने से 35 मौलानाओं की मौत। बड़ा रोया अकबर कि पता नहीं कैसे पलट गई। उसने कभी डोमिनेंट नहीं होना दिया प्रीस्टली क्लास को अपने राज्य में, कभी नहीं। अब इस्लाम को अपनाना उन लोगों के लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं। ईसाईयत, सब एक दूसरे के पैगंबर को मानते हैं, हजरत मूसा, हजरत इब्राहिम, हजरत आदम, सब एक दूसरे के पैगंबर, कोई दिक्कत है ही नहीं, अडॉप्ट कर लेंगे। वो दिक्कत थी अरब कल्चर को अडॉप्ट करने में। कल्चर डिपेंड्स अपॉन ज्योग्राफी। इस्लाम अडॉप्ट करने में दिक्कत नहीं थी, दिक्कत थी अरब कल्चर अडॉप्ट करने में। अरब कल्चर अडॉप्ट करने में। कल्चर डिपेंड्स अपॉन ज्योग्राफी। तुम कश्मीर का मुसलमान देखो और तमिलनाडु का मुसलमान देखो, दोनों के ड्रेस में फर्क होगा, दोनों के फूड हैबिट में फर्क होगा। तुम असम का हिंदू देखो और गुजरात का हिंदू देखो, दोनों के फूड हैबिट और ड्रेस में फर्क होगा। रीजन ज्योग्राफी। अब इस्लाम पैदा हुआ सऊदी अरेबिया में, वहां अगर कोई ओल्ड मॉन्ग पिए तो डेड मॉन्ग हो जाए तुरंत, इतनी गर्मी है। सऊदी का आदमी पोर्क खा ही नहीं सकता, इतनी गर्मी है। यूरोप के ड्रेसिंग सेंस में और अरब के ड्रेसिंग सेंस में कितना फर्क है। पूरा अरब वर्ल्ड डेजर्ट है। इस्लाम से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किससे है? अरब कल्चर से। अब यूरोपियंस अगर अरब कल्चर अडॉप्ट करें तो भी मर जाएं कि भाई शराब नहीं पीनी, शराब नहीं पिएंगे खत्म हो जाएंगे, और ना अडॉप्ट करें तो भी मर जाएं। ये टर्क उनको सामान ही नहीं पहुंचाएंगे। और जब जिंदगी फंसती है ना, सबसे ज्यादा आईएएस की तैयारी मिडिल क्लास के लोग करते हैं। जब जिंदगी फंसती है तो दो रास्ता है, या तो भाग जाओ और या लड़ो। तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि लड़ेंगे, और यहीं से यूरोप में एक बड़ी घटना शुरू हुई, रेनेसांस, रैशनलिज्म। 1453 यहीं से यूरोप में घटना शुरू हुई, रेनेसांस यानी रैशनलिज्म, रीबर्थ ऑफ रैशनलिज्म। रैशनलिज्म मतलब नोइंग द थिंग्स ऑन साइंटिफिक बेसिस, रैशनलिज्म। इस रैशनलिज्म ने किसको प्रमोट किया? सेंस ऑफ इंक्वायरी को। बड़ी प्यारी चीज ये सेंस ऑफ इंक्वायरी। हर चीज, यूरोपियन ने काम हर चीज पता करेंगे, हर चीज देखेंगे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या है ये सेंस ऑफ इंक्वायरी। रैशनलिज्म ने प्रमोट किया सेंस ऑफ इंक्वायरी को, और इस सेंस ऑफ इंक्वायरी ने बाइबल में लिखा था, अर्थ इज फ्लैट, इफ यू एंटर इनटू द सी यू विल फॉल ऑन द अदर साइड ऑफ द सी। यूरोपियंस ने कहा हम सी में एंटर करेंगे, हम जाएंगे देखेंगे अदर साइड में क्या है। एंड दिस स्टार्टेड ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। 1453 रेनेसांस, और रेनेसांस का आउटकम, इंपॉर्टेंट आउटकम, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। एंड इन ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1492 न्यू वर्ल्ड, जिसको तुम आज अमेरिका कहते हो, बाय कोलंबस। एंड 1498 The direct sea route to India. The direct sea route to India by Vasco da Gama. Direct sea route to India by वास्को डी गामा, and from here starts the entry of Europeans, direct entry of Europeans in India. From here starts the direct entry of Europeans in India. ये डायग्राम क्लियर? यूरोपियंस भारत कैसे पहुंचे ये कहानी क्लियर हो गई? पूछ लो अभी। ये ट्रायंगल क्लियर हो गया ना? ये रूट, कहाँ? तो यात्रियों को नहीं आने दोगे, तुम अपना वो लोगे, टैक्सेस लोगे, जाने दो। बाद में लड़ाई शुरू हुई, जब ये जहाज और पावरफुल होने लगे फिर लड़ाइयाँ शुरू हुई। शुरुआत में तो ये सब यात्री ही तो हैं, खोज करने वाले लोग हैं। ये सारी बातें क्लियर हो गई ना? यूरोपियंस कैसे आए ये बताना, डिस्कस करना बहुत जरूरी था। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। 18th सेंचुरी में इंडिया वॉज सफरिंग फ्रॉम वीकनेस, पॉलिटिकल फ्रंट, सोशल फ्रंट, कल्चरल फ्रंट। 18th सेंचुरी में इंडिया पे सबसे ज्यादा नजर किसकी? यूरोपियंस की। यूरोपियंस भारत कैसे पहुंचे ये पूरी कहानी। हाउ यूरोपियंस गॉट डायरेक्ट एक्सेस टू इंडिया, दिस इज द एंटायर स्टोरी। सोच लो, कोई सवाल है तो बताओ। कोई क्वेश्चन है? नहीं बात समझ में आई? यूरोपियंस भारत कैसे आई ये बात क्लियर नहीं हुई? तुमसे पूछ रहे हैं। तुम्हारा क्या नाम है? नहीं, तुम्हारा येलो टी शर्ट, हाँ कनिष्क। नहीं बात क्लियर हुई क्या? नहीं हुई? कहाँ पे नहीं हुआ बताओ? वही तो मैं पूछ रहा हूं, तो चुप क्यों बैठे हो? देखो देखो पूरा डायग्राम देखो, बताओ कहाँ नहीं क्लियर हुआ तो बताएंगे ना, तभी तो तुम्हें टाइम दे रहा है कि हाँ बताओ। क्या क्या बताओ जरा, पूरी कहानी बताओ। खड़े हो जाओ जरा, एक मिनट बताओ, खड़े हो जाओ। रूट समझ में आ गया, यहाँ से तुमको बात क्लियर नहीं हुई क्या? क्या पढ़ो तो, पूरी लाइनें पढ़ो क्या लिखा है। कब्जा कर लिया टर्क्स ने। अब टर्क्स ने पहली बात क्या किया? जो एसेंशियल कमोडिटीज थी उसके पैसे बढ़ा दिए, वॉलंटरली बढ़ा दिए। यूरोपियंस को प्रॉब्लम हो गया कि भैया इतना महंगा हम नहीं खरीद पाएंगे, और नहीं खरीदेंगे तो मरेंगे। तो उन लोगों ने कहा इस्लाम कबूल कर लो। इस्लाम से भी उनको दिक्कत नहीं थी, दिक्कत किससे थी? अरब कल्चर से। अब वो अरब कल्चर अडॉप्ट कर लें तो मर जाएं, और ना करें तो भी मर जाएं। तो अब देयर वाज अ क्वेश्चन मार्क ऑन देयर एग्जिस्टेंस। मरना तो वही है, तो जब मरना है तो लड़के मरेंगे। तो इस सिचुएशन ने, 1453 की सिचुएशन ने किसको पैदा किया? रेनेसांस, यानी रैशनलिज्म। हर चीज को साइंटिफिक वे से देखना। इस रैशनलिज्म ने किसको प्रमोट किया? सेंस ऑफ इंक्वायरी को। हम सब कुछ पता करेंगे, ये क्यों है, ये क्यों है, ये कैसे है। और सेंस ऑफ इंक्वायरी में जब बाइबल ने कहा कि अर्थ फ्लैट है, इफ यू एंटर इनटू द सी यू विल फॉल ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ, उन्होंने कहा हम तो एंटर करेंगे, हमें तो रास्ता खोजना है। तो इस सेंस ऑफ इंक्वायरी ने किसको प्रमोट किया? ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज को। और उसमें दो सबसे मेजर डिस्कवरीज, 1492 द न्यू वर्ल्ड, जिसको तुम आज अमेरिका कहते हो, और 1498 द डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया बाय वास्को डी गामा। एंड यहां पे डायरेक्ट एंट्री ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। अब क्लियर? पूछ लो अभी भी कोई बात है तो। कहाँ से? तो सिल्क रूट पे कैसे आएंगे ये? वहाँ तो टर्क्स बैठे हुए हैं। अरे अरे यार तुम कैसी बातें कर रहे हो? नहीं यात्री मतलब ट्रेडर्स, सारा मोनोपोली ट्रेड की उनके हाथ में है ना। यात्री मतलब क्या? तुमने कहा साहब हम बुद्ध की मूर्ति देखने जा रहे हैं, जाओ, मसाला लेके नहीं जाने देंगे। ट्रेडिंग मोनोपोली उनके हाथ में है ना। यात्री तो जाओ, एकदम तुम यात्री हो, हाँ जाओ। अब क्यों नहीं है? अरे टेक्नोलॉजी पे काम ही नहीं करोगे तो होगा नहीं। आज तुम देखो छोटा सा कंट्री जापान टेक्नोलॉजिकली हमसे कितना स्ट्रांग है, हाँ? सिर्फ 15 साल गुलाम था वो कंट्री। 1787 से पहले अमेरिका नाम की कोई कंट्री ही नहीं थी, ही नहीं। आज पूरी दुनिया पे कब्जा है उनका। इस धरती के हर देश के आदमी का सपना है कहां पढ़ने का? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। कितने ताव से लोग कहते हैं कि भैया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने का। कोई कराची यूनिवर्सिटी भी जाना चाहता है? काबुल वाली बंद पड़ी है, काबुल वाली बंद पड़ी है। काबुल यूनिवर्सिटी में ही सब बैठते हैं, तालिबान वाला गन वन लेके, कोई किताब उताब लेके आ गया तो कहा ऐसे ही देने आया, लाओ किताब, जाओ घर अपने जाओ। दमिश्क, बगदाद, बगदाद का खलीफ था अल मामून, पकड़ पकड़ के लड़कों को पढ़ाने के लिए लाता था। हाउस ऑफ विजडम की स्थापना की, बैतुल हिकमत। तब बगदाद इतने पावर में था। अल मामून बड़ा फेमस खलीफा हुआ, नाम लिख के पढ़ना उसके बारे में, अल मामून के बारे में। उसने हाउस ऑफ विजडम की स्थापना की, बैतुल हिकमत। उसके सिपाही अल मामून। अब ब्रजेश तिवारी थोड़ी होगा यार, इराक का आदमी है तो वहां के हिसाब से नाम होगा। अब तुम्हारा हमारा हमारी तुम्हारी आदत है इस तरह लिखने की। कहाँ जंप किया? तो कौन रोका है तुमको ना करने के लिए? होगा होगा, अभी रुके रहो। टर्न होने वाला है, तुम टेंशन काहे ले रहे हो? अभी पहले दंगा होगा बहुत भयंकर, अभी थोड़ी सी आग और लगेगी इस कंट्री में, फिर उस जली हुई कंट्री से फिर एक नई कंट्री पैदा होगी। अभी थोड़ा सा मामला बिगड़ेगा। हाँ हाँ उभरेंगे, टेंशन क्यों ले रहा हूँ। होगा होगा होगा, हाँ। तो टेंशन तुम्हें, उसमें प्रॉब्लम क्या है? जब भी देखो, जब भी आदमी के सामने कोई चैलेंज आता है तो चैलेंज एक नई चीज़ का जन्म देता ही देता है। अभी क्या है ना कि हम थोड़ा सा खतरे में गुजर रहे हैं, पर अभी 29 तक का समय बहुत डेंजरस है। 30 मान लो, खतरा बहुत सारी चीज़ों का है। खतरा वॉर का है, बहुत बड़े वॉर का है। खतरा सिविल वॉर का है। अभी तो इलेक्शन नहीं है अगल बगल, इसीलिए तुम देखो सोशल मीडिया पे कोई जातिवादी पोस्ट नहीं आ रही, संप्रदायवादी पोस्ट नहीं आ रही। अभी 27 का यूपी का जैसे इलेक्शन आएगा ना, वैसे ट्विटर पे देखना मुसलमान जो सब्जी बेचने वाला वो सब्जी पे थूकने लगेगा और दलित ब्राह्मण झगड़ा होने लगेगा। अभी तुम देखो सोशल मीडिया एकदम शांत है, कहीं कुछ नहीं हो रहा। जैसे 27 का इलेक्शन आएगा वैसे तुम्हें कई वीडियो दिखाई पड़ेंगे। एक वीडियो में दिखाई पड़ा है कि एक मुस्लिम जो है नाली में अपना सब्जी धो रहा है, और फिर दिखाई पड़ा कि देखो दलितों ने ब्राह्मणों को मारा, फिर ब्राह्मण दलित को मार रहा है, फिर अभी कुछ नहीं, अभी देखो एकदम सोशल मीडिया शांत है। अभी एकदम किसी से पूछो भैया कुछ दलित हो, अब कुछ नहीं भैया ठीक चल रहा। अभी जैसे ही 25 क्रॉस करेगा पूरा 26 ऐसा लगेगा कि देश में कितना आतंक चल रहा और क्या दिक्कत है। पर चीजें चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, वो बदलेंगी ही बदलेंगी, वो बदलना ही है। नहीं तो बाहर कैसे निकाल सकते हो यार, तुम्हारे एग्रीमेंट्स हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं सबके साथ। तुम भी बना के बेचो ना अपना सामान वहाँ परी कोल्ड ड्रिंक अमेरिका में, तुम भी कुछ बनाओ तुम्हारी भी शराब जाके वहाँ बिके न्यू जर्सी में, तुमको कौन रोक रहा? वो तो कह रहे हैं ओपन मार्केट है, तुम भी कुछ बना के भेजो। तुमने कहा साहब हम तो सिर्फ IAS बनेंगे, कुछ बनाएंगे नहीं। विजनरी लीडर्स हैं ना उनके पास, अच्छे लीडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं। ठीक है कोई बात नहीं, इस देश में तुम चिंता मत करो यार, सब बदलेगा। तुम तो एकदम चिंतित होगा कि यार हम लोग क्या करें। अब तुम सोचो US ने नीम पे पेटेंट करा रखा है, हल्दी पे करा रखा है, इन सब पे, ये सब हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अरे विजनरी है वो। यहाँ के कोलगेट बेच रहे हैं, जितना ज़्यादा दांत खराब हो रहा है आजकल, तुम देखो जितने ज़्यादा दांत लोगों के खराब हो रहे हैं उसकी सबसे वजह पेस्ट ही तो है, कुछ है थोड़ी उस पेस्ट में। वो तो उन्होंने दिखाते हैं कि लड़का क्लोजअप किया और फिर एक फ्रेश ब्रेथ सामने निकली, वो सामने से लड़की उड़ती हुई आ गई। यहाँ तो हर चीज़ में लड़की पहुँच जाती उड़ती हुई। तो जहर का भी ऐड करेंगे तो स्त्री के द्वारा ही करेंगे, पीते ही मर जाओ। उन्होंने कुछ चीजें हैं जो पकड़ रखी हैं, थोड़ा हमसे आगे चलने। उनका एजुकेशनल सिस्टम, हम सब बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं। इतना प्यारा, अभी मैं आ रहा था सुबह, लिफ्ट से नीचे आ रहा था तो बच्चे जा रहे थे स्कूल, नर्सरी के बच्चे इतना भारी बैग लिए हुए। अब ना कलेक्टर बनोगे, I don't talk to you. हमारे सोसाइटी में बहुत सारे बच्चे, उनके माँ बाप ने मना कर रखा हमसे बात करने की। कहते ये आदमी उल्टी सीधी बातें सिखाता है। तुम्हारे पापा सीधी सीधी सीखे थे, क्या कर पाए जिंदगी में? कुछ उल्टी सीधी भी सीख लो।